दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे कमोडिटी में सिल्वर का एनालिसिस करने वाले हैं। सिल्वर की जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को हमने प्रीवियस वीडियो में आइडेंटिफाई किया था, उसी के आधार पे हमें सिल्वर में यहाँ पे अप साइड और डाउन साइड के मूवमेंट देखने को मिले। अब बात ये आती है दोस्तों कि सिल्वर में जो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में तेज गिरावट देखने को मिली है, उसके बाद से सिल्वर में क्या गिरावट कंटिन्यू हो सकती है या सिल्वर में अब यहाँ से तेजी का मूवमेंट बन सकता है, तो इन सारी बातों का एनालिसिस हम यहाँ पे NJ1 एप्लीकेशन पे करने वाले हैं। दोस्तों हम NJ1 एप्लीकेशन के ऊपर आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट NJ1 में ओपन नहीं किया है तो मैंने बेस्ट ऑफर्स के साथ फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक को डिस्क्रिप्शन में लगा के रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर NJ1 के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, यहाँ से अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं NJ1 एप्लीकेशन पे दोस्तों लॉगिन कर चुका हूँ और यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे NJ1 एप्लीकेशन पे आने के बाद हमें यहाँ पे एक ब्लैक कलर का एक बैनर देखने को मिलता है, जिसमें आपको लिखा हुआ मिलता है इंस्टाटेड F&O और यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है ऑप्शन ट्रेडिंग मेड फास्ट एंड ईजी। तो इसके ऊपर आप चार्ट के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग को कर सकते हैं, जी तो आपको इस बैनर के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे कि इस बैनर पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे इंस्टाट्रेड की ट्रेडिंग विंडो ओपन हो जाती है। इस ट्रेडिंग विंडो की दोस्तों एक खासियत होती है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी कमोडिटी या कोई भी इंडेक्स को ऐड करना चाहते हैं तो इस प्लस आइकन का यूज़ करके आप यहाँ पे उस इंडेक्स को ऐड कर सकते हैं। वो इंडेक्स आपको यहाँ पे इंस्टाट्रेड की जो मार्केट वाच आपको ऊपर साइड में देखने को मिलती है, यहाँ पे ऐड हो जाता है विद इन अ सेकेंड में। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो चार्ट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है उस कमोडिटी का। इसके बाद आप अगर कोई भी कमोडिटी में ऑर्डर लगा रहे तो आपको नीचे बाय और सेल की बटन देखने को मिलती है। एक बार आपका ऑर्डर लगने के बाद आपका ऑर्डर जैसे एग्जीक्यूट होता है तो उसका P&L आपको यहाँ पे ऊपर साइड में देखने को मिलता है। चार्ट का एनालिसिस करने के लिए साइड में टूल ऑप्शन है और ऊपर साइड में आपको इंडिकेटर ऑप्शन देखने को मिलता है। इन दोनों ही ऑप्शन की मदद से आप अपने चार्ट का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, अपने चार्ट के अकॉर्डिंग अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप पोजीशन दे सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे सिल्वर का एनालिसिस करने वाले हैं तो इसे हम थोड़ा ऊपर की ओर स्लाइड करते हैं। स्लाइड करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे 5 जुलाई सिल्वर लग जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिल्वर को ऐड करना चाहते हैं तो प्लस आइकन का यूज़ करके आप यहाँ पे 5 जुलाई के एक्सपायरी का आप सिल्वर को ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिल्वर पहले ऐड करके रखा है, तो यहाँ पे जैसे मैं सिल्वर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे सिल्वर का चार्ट जो है विद इन सेकंड में एक्टिवेट हो जाता है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे सिल्वर का कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई किया था, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो सिल्वर का इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है वो था 71,800 के आसपास का ये सपोर्ट था, और जो रेजिस्टेंस बताया था ये था 72,900 के आसपास का। हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई किया था। अब हम देखें तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जो इसका रेजिस्टेंस था जो 73,000 के आसपास का था, एग्जैक्ट सिल्वर ने वहाँ तक के पहुँचा, वहीं से हमें सिल्वर में बिकवाली देखने को मिली और यहाँ से सिल्वर जो है 72,000 के लेवल तक के स्लिप होते हुए दिखाई दिया। और अब जो नीचे लेवल आ रहा है ये 71,800 का, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। सो सिल्वर जो है ये मंडे के ट्रेडिंग सेशन में ये वाले सपोर्ट लेवल का एक सपोर्ट ले सकता है, और अगर इसके नीचे सिल्वर स्लिप होता है तो 71,360 से लेके 71,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो 70,500 और 70,000 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम वहीं पे अपसाइड की बात करते हैं तो अगर जो सिल्वर का कमोडिटी है 71,800 के लेवल को या 72,000 के लेवल को होल्ड कर लेता है तो ऊपर साइड में अगर मैं बात करूँ सिल्वर में तो 72,500 से लेकर 72,700 तक का अपसाइड का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। ये रेजिस्टेंस तक के सिल्वर में ऊपर की ओर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं, और अगर हम यहाँ से देखें ऊपर अपसाइड में और लेवल को देखते हैं तो 73,000 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी हमें देखने को मिल सकता है, यहाँ तक के सिल्वर में हमें अपसाइड के मूव आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट सिल्वर के लिए होने वाले हैं। नीचे के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल को हमने आइडेंटिफाई किया है, इन लेवल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पोजिशन देख सकते हैं। और यहाँ पे MACD इंडिकेटर की बात करते हैं तो MACD इंडिकेटर में यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर देखने को मिल सकता है। अगर पॉजिटिव क्रॉस ओवर यहाँ पे सिल्वर में आ जाता है तो सिल्वर में अपसाइड के मूवमेंट यहाँ पे आते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल में हमें ये सपोर्ट और ऊपर वाले रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर नजर रखनी चाहिए। इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल के आधार पर हमें सिल्वर में आपको डाउन साइड के मूवमेंट आते हुए नजर आ सकते हैं। अगर सिल्वर में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आपको नीचे बाय और नीचे सेल ऑप्शन की पोजीशन देखने को मिलती है। अगर लगता है कि सिल्वर में अपसाइड के मूव आ सकते हैं तो हम यहाँ पर बाय ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और अगर लगता है कि सिल्वर में और ज़्यादा गिरावट आ सकती है तो सेल ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे सिल्वर को बाय ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और एक ऑर्डर को पुट करना चाहता हूँ। जैसे मैं सिल्वर के बाय ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो कर्सर हाईलाइट होता है यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ लॉट मेंशन करने होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सिल्वर के सिंगल लॉट में ऑर्डर लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 1 टाइप करूँगा। एक टाइप करने के साथ साथ यहाँ पे सिल्वर के एक लॉट में आती है 30 किलोग्राम क्वांटिटी आती है। करंट प्रीमियम के साथ जो मार्जिन लगने वाला है वो नीचे देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे बाय ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। जैसे बाय ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो कंफर्मेशन का एक मैसेज आता है, इस पर क्लिक करना होता है। इसके बाद
मार्केट अभी बंद है तो हमारा ऑर्डर जो है आफ्टर मार्केट लगेगा। यस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हमारा ऑर्डर जो है ये सबमिट हो जाता है। जैसे ही मार्केट ओपन होगा और हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो आपको नीचे साइड में एक ऑर्डर की बटन देखने को मिलती है। आप चाहो तो यहाँ से अपना ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं, चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं। अगर एक बार आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो आपका जो P&L है ऊपर साइड में देखने को मिलता है। ऑर्डर को बुक करने के लिए अगर आपने बाय की पोजीशन बनाई है तो आपको सेल ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, और अगर आपने सेल की पोजीशन बनाई है तो बाय ऑप्शन का यूज़ करके आप अपनी पोजीशन को स्क्रैप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कितना ईजी कितना आसान हो जाता है एंजल एप्लीकेशन में किसी भी कमोडिटी का एनालिसिस करना और प्रेडिक्शन करना। दोस्तों अब अगर आपको ये ऑर्डर को प्लेस करना है तो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, और जैसे कि हमने बताया इस प्रकार से आप ऑर्डर को यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए टेक्निकल एनालिसिस के साथ, नई जानकारी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट एमसीएक्स मार्केट से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिल सके, और ऐसी ही अपडेट आपको रेगुलर पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।